बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना हो जाएंगे फिर आम बजट को पेश किया जाएगा तो आज पहले एक जो प्रोटोकॉल होता है बजट पेश करने से पहले वो पूरा प्रोसेस निभाया जाएगा जिसमें बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बैठक होगी कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी मिलेगी इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद के सदन पटल पर बजट को रखने वाली है सुबह सवा दस बजे मोदी कैबिनेट की बैठक है जिसमें बजट को रखा जाएगा और उस पर मुहर लगेगी और महिलाओं को हम कैसे छोड़ दें बजट से महिलाओं को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं उनकी क्या मांग है उनसे बात के हमारी संवाददाता नितिका दीक्षित ने सरकार के बजट का पिटारा खोलने वाला है हर वर्ग को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं महिलाओं को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं उस पर बात करेंगे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार बजट में क्या कुछ चाहती हैं सीधे शुरुआत करते हैं आपसे पहले शुरुआत करते हैं आप पहले अपना नाम बताइए और क्योंकि बजट आने वाला है तो महिलाओं को क्या बहुत बड़ी महामारी हमारे यहाँ फैल चुकी है जी मेरा नाम रीना त्रिपाठी है मैं एक हाउस वाइफ हूँ बजट मतलब बजट अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे किचन से शुरू होता है जो कि आर्थिक चीज़ें हमारे जैसे तेल हो गया मतलब किचन का किचन का ग्रोसरी बाकी स्कूल के खर्चे हैं चिकित्सा है और भी हमारे जो डेली डेली के हैं तो मतलब सरकार को चाहिए कि जो आम आदमी है जैसे जिसके पास रोज़गार है उसके लिए तो ठीक है जो नहीं जिसके पास व्यवसाय कुछ है तो वो क्या करेगा आम इंसान डेली कमाता है कुछ हमारे जो हमसे नीचे हैं लो लोअर वाले हैं तो वो डेली ला रहे हैं डेली खा रहे हैं अगर उनके यहाँ आकस्मिक कोई ऐसी घटना हो गई तो वो बेचारे क्या करेंगे क्या आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे प्रावधान इस बार बजट में होने चाहिए जिससे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो आगे बढ़ें जी मेरा नाम प्रतिमा तिवारी है रोजगार बढ़ना चाहिए क्योंकि महिलाओं के एक आदमी कमाता है इतने लोग खाने बैठते हैं इस वजह से महिलाओं को यही है कि उन लोगों को भी कुछ नौकरी चाहे जो भी है कुछ दिया जाए उन लोगों को भी क्योंकि एक की कमाई से घर में नहीं चलता है एक कम एक कमाने वाले हैं दस लोग खाने वाले हैं इस वजह से महिलाओं को कुछ ना कुछ रोज़गार देना चाहिए बिल्कुल महिलाओं को राहत मिलनी चाहिए आपका क्या लगता है कि इस बार बजट में आ, क्या कुछ होना चाहिए मैं पुनः उपाध्याय बजट में तो हम लोगों को बहुत उम्मीदें हैं निर्मला जी से और चाहिए भी क्योंकि सब जैसे बजट आता है इसका मतलब दाम हर चीज़ के बढ़ने ही बढ़ने हैं कोई हम ये उम्मीद नहीं करते इस चीज़ का घटेगा तो दाम पहली बात तो जो है सो है घटना तो मुश्किल है लेकिन कम से तो कम जो है वो इस, मतलब रहे स्थायी तो रहे उसमें और टैक्सेशन में ऐसा करें कि सबको लाएं जद में ये नहीं कि केवल जो सर्विस वाला है सर्विस क्लास का वो टैक्स भर रहा है बाकी लोग रक्सी चोरी कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और आय के स्रोत बढ़ाएं ताकि हम लोग इस तरह से परेशान ना हुए और शिक्षा भी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी उस पर भी उनको अपना पूरे बजट में ध्यान देना चाहिए मेरी तो यही उम्मीद है और मैं आशा करती हूँ कि होना भी यही चाहिए थैंक यू शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और क्या कुछ महिलाओं की डिमांड है शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बड़ी सबसे बड़ी डिमांड ये है क्योंकि ये आजकल मिडिल क्लास हो चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास के लिए बहुत जरू सबके लिए ज़रूरी और सबसे ज़्यादा खर्चीला है हम प्राइवेट स्कूलों की फीस कम से कम गवर्नमेंट निर्धारित कर दे कि आपको कितनी लेनी है और एक प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं उनकी फीस भी निर्धारित कर दे और जो दाल चावल आटा का मूल्य भी है तो मैं सोचती हूँ एक निर्धारित होना चाहिए कि इतने किलो हो गए इससे ऊपर नहीं जाएगी कम से कम आ, सरकार के पास इतना भंडार तो होना चाहिए कि उसका एक मूल्य निर्धारित हो ये नहीं कि दाल 200 में पहुंच गई तो आप कहते हो कि बच्चों को प्रोटीन दो कैसे देंगे प्रोटीन और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि आ, महिला वर्ग को कम से कम रोज़गार की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए क्योंकि वही घर चलाती हैं